देखो, बिफोर वी टॉक अबाउट दैट रेयर डिजीज, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, और ये चीज मैं पहले के वीडियो में भी ऑलरेडी बताया हूँ कि दुनिया भर के फिल्मों, गेम्स और कॉमिक्स में कई तरह के जॉम्बी वायरसेस को दिखाया गया है। जॉर्ज रोमेरो की फिल्मों के जॉम्बी वायरस कुछ अलग थे, वहीं डैनी बॉयल की जॉम्बी फिल्म में दिखाए गए रेज वायरस और भी ज्यादा अलग। और रेसिडेंट इविल में तो हमने वैरायटी ऑफ जॉम्बीज और नेमेसिस जैसे टायरेंट्स को भी देखा है। खैर जल्दी, जैसे मैंने आई एम लेजेंड में दिखाए गए क्रिपिन वायरस को एक्सप्लेन करा है, बाकी के वायरस लाइक टी वायरस, रेज वायरस, फ्लेयर जॉम्बीज सब को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे अगर क्रिपिन वायरस वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद चैनल पर जाके याद से देख लेना। तो कहाँ था मैं? हाँ, अभी तक 50 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के वायरस और जॉम्बी को फिल्मों में और सीरीज में दिखाया गया है। पुरानी जॉम्बी फिल्मों में जनरली जॉम्बीज का मतलब चलते फिरते मुर्दे होते थे, जिन्हें वॉकिंग डेड भी कह सकते हैं, और सिंपली कहूँ तो ये मरने के बाद जिंदा होते थे और इनमें ना कोई स्ट्रेंथ होती थी और ना ही कुछ और। पर अब के मूवीज और गेम्स में दे आर मोर लाइकली इन्फेक्टेड पीपल्स, जिनका कुछ मूवी में तो क्योर भी बनाया गया है और कुछ तो वापस से जॉम्बी से ह्यूमन भी बने हैं। और मॉडर्न जॉम्बीज इन्फेक्शन, इविल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बनते हैं। इफ यू रिमेम्बर 28 डेज लेटर, तो उस फिल्म में जॉम्बी वायरस एक ब्लड के ड्रॉप से स्प्रेड होती है, जिससे किसी की डेथ नहीं होती बल्कि नॉर्मल लोग ही अनकंट्रोलेबल माइंडलेस जॉम्बी बन जाते हैं। वैसे अगर आप लोगों को जॉम्बी के हिस्ट्री पर वीडियो चाहिए तो यस कमेंट कर देना और 120 लाइक्स करवा देना। बहुत जल्द मैं जॉम्बी की हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। नाउ बैक टू द टॉपिक, हम इस वीडियो में एक ऐसे डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा अजीब है और ये आपको रियल लाइफ जॉम्बी बनाने का बेस्ट एग्जांपल है। तो क्या है इस बीमारी का नाम? ये बीमारी आखिर किसी को जॉम्बी कैसे बनाती है और क्या इस बीमारी की वजह से जॉम्बी एपोकलिप्स भी हो सकती है? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सवालों का जवाब देगा ये मन बुद्धि बालक। सो इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं कि रियल लाइफ जॉम्बी से मेरा क्या मतलब है। डू आई मीन कि जो मरे हुए लोग होते हैं, यानी कि जो बिना हर्ट बीट और बिना ब्लड सर्कुलेशन वगैरह के होते हैं, वो जॉम्बी बन जाते हैं? ऑब्वियसली नॉट। और सोचने वाली बात है, फिलहाल के लिए ये कह पाना कि कोई डेड बॉडी फंक्शन करने लगे, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर हाँ, एक चीज है जो हमें इसके आसपास ले आती है। अगर आप द वॉकिंग डेड के फैन रहे हो, आपको पता होगा कि उसमें दिखाए गए वॉकर जॉम्बी ब्रेन में हुए न्यूरॉन्स फायरिंग का रिजल्ट थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी एक यूनिक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई और खाने के अलावा पूरा टॉप फ्लोर खाली कर दिया। आई मीन उनमें दिमाग था ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी बिना सुबह सुबह शांति भवन जाए सिर्फ खाने के पीछे पागल होकर लड़खड़ाते हुए चल सकता है? आप मानो या ना मानो, हाँ। अब देखो, मरने के बाद जिंदा होना, इसके बारे में फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। पर ऐसे डिजीज, पैरासाइट्स और फंगस वगैरह हमारी दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है, जो अपने शिकार को जॉम्बी जैसा बनाकर छोड़ देते हैं, जहां से वो पैरासाइट्स और फंगस वगैरह अपने नंबर्स स्प्रेड करते हैं और बाकियों को भी इन्फेक्ट करते हैं। ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेट्रिस और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो ह्यूमंस को नहीं बल्कि स्मॉल क्रिएचर लाइक एंट और माउस को ट्रांसफॉर्म करके और अपने कब्जे में लेकर जॉम्बी जैसा बना देते हैं। अब आते हैं उस बीमारी पर जो इंसानों को जॉम्बी बना देता है, और इस बीमारी का नाम है क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो ह्यूमन को ऑलमोस्ट जॉम्बी जैसा बिहेव करने पर मजबूर करता है, और यूं कहूं तो इसके कारण विक्टिम्स ऑलमोस्ट जॉम्बी जैसे ट्रेट्स फील करने लगते हैं, इसलिए इस सिंड्रोम को अब अच्छे से जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीटर कमिंग्स, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में न्यूरोपैथोलॉजिस्ट है और जॉम्बी रिसर्च सोसाइटी में एडवाइजर है। हाँ, तुमने सही सुना, अब जॉम्बी पर रिसर्च करने के लिए सोसाइटीज भी बनने लगी हैं। वैसे जॉम्बी रिसर्च सोसाइटी 2007 में बन चुकी थी और इन्होंने जॉम्बीज पर काफी रिसर्च किया है। तो अकॉर्डिंग टू पीटर, अगर आप क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम से लड़ रहे किसी इंसान को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो जॉम्बी ही हो। आई मीन कि वो विक्टिम्स जॉम्बी जैसे रिजेंबल करते हैं। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि ऐसा कैसे, और आप कहो कि हम तो जॉम्बी लवर्स हैं, उन्हें दूर से ही देखकर पहचान लेंगे कि कौन जॉम्बीज की एक्टिंग कर रहा है और कौन रियल है। तो देखो, इस सिंड्रोम की वजह से विक्टिम्स बहुत वियर्डली बिहेव करने लगते हैं। ये इतना वियर्ड तरीके से एक्ट और रिस्पॉन्स करते हैं जो नॉर्मल से काफी अलग होता है। समटाइम्स दे फेल्ड टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स एंड वो हर पॉसिबल चीज को अपने मुंह में घुसाने की और ठूसने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, जब ये सिंड्रोम उन पर पूरी तरह से हावी होता है तो वो अपने क्लोज वंस को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और उन पर भी एबनॉर्मली अटैक करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो ऐसा कैसे, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रेन के वैसे भाग जो रिकॉलिंग एबिलिटी, इमोशंस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइक टेम्पोरल लोब पर अफेक्ट होने से कोई वाकई में जॉम्बी बन सकता है। और कमिंग्स का भी यही कहना है कि हमारे ब्रेन में मौजूद अमिगडाला जब सही से फंक्शन नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोरी और बेसिक थिंकिंग पर इफेक्ट होती है, जिससे पेशेंट सही से बिहेव नहीं कर पाता।
उन्होंने इसे ऐसे बताया कि जब मैं आप पर कॉफी गिरा दूं तो आपका इंस्टेंटली मुझे मारने का मन करेगा, और ऐसा ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रंटल लोब आगे आता है और उस वायलेंट रिस्पॉन्स को शांत कर देता है। लेकिन इस सिंड्रोम और इस टाइप के सिमिलर डिजीज के केस में अमिगडाला वापस से कंट्रोल ले लेता है और आप वायलेंटली रिएक्ट करने लगते हो। खैर, ये एक डिजीज है तो ये ज्यादा कंटेजियस नहीं है, यानी कि इससे कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स नहीं हो सकता है, और ये काफी रेयर भी है। तो देखो, समरी यही है कि ओल्ड ज़ॉम्बीज का होना तो फिलहाल इम्पॉसिबल जैसा लगता है कि कोई डेड कॉर्प्स यानी कि मुर्दे वापस से धरती से कैसे निकल सकते हैं। और यार, हिंदू परंपरा के अनुसार तो चिता जलाई जाती है, तो मुर्दों के वापस आने का तो सवाल ही नहीं है। पर मॉडर्न ज़ॉम्बीज का आना सीम्स लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, और जिस तरह वी ऑल नो हर वायरस म्यूटेट करते हैं, तो हो सकता है, लाइक आई एम नॉट श्योर, पर इट कुड बी पॉसिबल कि कोई ज़ॉम्बी वायरस आ जाए और पूरी दुनिया एक बार में खत्म हो जाए। मतलब कि सब लोग इन्फेक्शन और रेडिएशन जैसी चीजों की वजह से माइंडलेस ज़ॉम्बी बन जाए। ऑब्वियसली कुछ हमारे जैसे सर्वाइवर्स बचे होंगे, पर होप कि ऐसा कुछ ना ही हो तो बढ़िया होगा, पर कल किसी ने नहीं देखा, सो हम कुछ भी नहीं कह सकते। सो बी प्रिपेयर्ड। वैसे रेसिडेंट इविल फ्रेंचाइज ने ज़ॉम्बीवर्स में काफी कंट्रीब्यूट किया है, तो अगर रेसिडेंट इविल में दिखाई गई अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन असली जिंदगी में आ जाए और अपना सीक्रेट मिशन चला रही हो, तो क्या होगा? अब इसे जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लेना।